अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैश आलम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डायनेमिक एमआईएस में। दोस्तों, आज की इस क्लासेस में सीखेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। काउंट फंक्शन में आज सीखेंगे काउंट फंक्शन जो सिंपल है, उसके अलावा काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। इन पांचों फंक्शन के बारे में सीखेंगे, इन सब फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, इन पांचों में डिफरेंस क्या है और इन सब पांचों फंक्शन को कब हम यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये कुछ डेटा देख सकते हो। फर्स्ट कॉलम में जो है स्टूडेंट नेम है, सेकेंड में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, यानी कि ये कुछ रिजल्ट है स्टूडेंट के। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें ये चेक करना है कि इसमें जो, जैसे आप देख सकते हो इसमें क्या है, नंबर्स है, ये है। काउंट जो फंक्शन होता है उसका क्या यूज होता है, काउंट जो होता है ओनली वो नंबर्स काउंट करता है। ठीक है, कोई भी नंबर होगा बस और वही वो काउंट कर देगा पर्टिकुलर, यहाँ पे भी आप डेटा सिलेक्ट करोगे उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप मेरे पास एक देख सकते हो जिसमें हिंदी में यानी कि 80 इसमें फील है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फंक्शन लगाते हैं काउंट, काउंट फंक्शन, और इसमें आप देख सकते हो इसका सिंटैक्स जो होता है वैल्यू वन, इसमें यानी कि मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक बार भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर मारते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें यानी कि चार्ज के पास है, क्योंकि 35 जो होता है 35 से ग्रेटर देन जो भी है तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो 35 जो भी कम है उन सब का फेल दिखा रखा है। तो यदि हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमें इससे ये पता चल जाता है कितने पास और कितने फेल है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं यानी कि दो पास है, क्योंकि काउंट फंक्शन जो करता है वो ओनली नंबर काउंट काउंट करके देता है। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है काउंट ए, काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है, वो नंबर्स को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी। तो लगा के देख लेते हैं एक बार काउंट ए, यहाँ से यहाँ, ठीक है, एंटर मारते हैं। तो आप देख सकते हैं बीच में कहीं कहीं ब्लैंक है, ब्लैंक को काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है जैसे एग्जामिनेशन में, यानी कि कुछ ऐसा डेटा आता है कि जहाँ पे कुछ ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमें चेक करना होता है। तो जैसे आप यही लगा लीजिए, ये मेरे पास जो टेबल है उसमें कुछ जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट नहीं हुए तो उसके लिए वो ब्लैंक आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए भी हम ऐसा कुछ करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ब्लैंक्स हुए वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करके एंटर मार के देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। तो इस वाले में एक, इसमें एक और इसमें एक। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक जो होता है ओनली वो ब्लैंक को काउंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन जैसे आप मेरे पास ये देखिए, ठीक है, कोई यानी कोई भी एक नाम लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है कि जो सचिन है ये अभी तक कितने अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, हमें काउंट करना है, इसके अंदर चेक करना है। तो क्या करेंगे, काउंट इफ, काउंट इफ फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स, तो पहले रेंज, हमें रेंज सिलेक्ट करना होता है कहाँ से कहाँ तक हमें उस डेटा को सर्च करना है या चेक करना है या काउंट करना है जो भी। ठीक है, तो वो हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद क्या ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें कोमा देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया। ठीक है, तो कोमा देते हैं, फिर क्राइटेरिया डालना है। क्राइटेरिया में क्या डालेंगे, हम ये डाल देते हैं। ठीक है, सचिन, आप सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर भी सचिन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर मार दिया मैंने,
तो देखिए 5 बार सचिन आ गए, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5 बार सचिन आ गया। तो हमने अभी फिलहाल तो हमने क्या किया, यानी कि इसके अंदर इसके जरिए हम याद ऐसा भी कर सकते हैं, सेल रेफरेंस जो होता है वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ का सेल रेफरेंस दे के भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे रोहित लिखते हैं तो रोहित का काउंट बता देगा, ठीक है। तो हम ये काउंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमें ये चेक करना है, सचिन जो 2000 यानी कि 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं वो कितनी बार है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये ऐसे रहने देता हूँ मैं, आगे लिख लेते हैं, जैसे 2000 जो 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं वो कितने अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करना है, काउंट इफ रेंज इस बार हमें ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोमा क्राइटेरिया में क्या डालना है, ग्रेटर देन। आपको हमेशा याद रखना है ये जो है जो क्राइटेरिया डालेंगे डबल कोट्स के अंदर डालेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 2000, ठीक है। एंटर मारते हैं तो आप देख सकते हो 10 बार आ रहा है, चेक करना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो आप काउंट भी कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन, आप ये ग्रेटर देन इक्वल भी लगा सकते हो ऐसे करके। ये गलत हो गया, यहाँ पे पहले ग्रेटर देन लगाया जाता है, देन उसके बाद हम हमेशा बहुत बार यही मिस्टेक करते हैं, पहले इक्वल टू लगा देते हैं फिर ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप फंक्शन लगाते हो, क्राइटेरिया डालते हो, पहले ग्रेटर देन या लेस देन यूज़ करोगे, देन उसके बाद इक्वल टू का साइन यूज़ करोगे, ठीक है। एंटर मारते हैं तो आप देख सकते हो बहुत बार हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम 2000 ऐसे लिख देते हैं, क्या करते हैं ग्रेटर देन डाल के 2000 लिख देते हैं। तो ये जो फंक्शन है काउंटिफ ये ऐसे वर्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो उनको देना होता है स्ट्रिंग में देना होता है, ठीक है। तो हमें डबल कोट्स के अंदर डालना होता है, इसमें डबल कोट्स के अंदर डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, यदि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि सचिन का 2000 रन कितनी बार बनाया, 2000 से ज़्यादा या 2000 से, तो इसमें हम ये चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो काउंटिंग में हम ओनली एक ही क्राइटेरिया डाल सकते हैं, ठीक है। आप भी देख सकते हो कि ओनली एक ही क्राइटेरिया डालने का ऑप्शन आ रहा है, यदि एक्स्ट्रा डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ्स, ठीक है। तो जैसे मुझे सचिन का चेक करना है तो काउंट इफ फंक्शन के लिए इक्वल काउंट इफ सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी काउंट फंक्शन या यूज करते हो तो जितना आपने डेटा इसके लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है, इस क्राइटेरिया में सेम उतना ही डेटा वहाँ पे भी सिलेक्ट करना है नेक्स्ट क्राइटेरिया में। यदि आप इस पे यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो जैसे मैं आपको, ठीक है, यदि मैं यहाँ से इसमें सिलेक्ट करता हूँ और Criteria 2 में मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रन से, तो वो एरर आएगा, तो हमारा जो है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जितने जितना रेंज स्टार्टिंग में यानी कि किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो हमेशा वहाँ पे इक्वली लेना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्राइटेरिया रेंज ये लिया, को मैं क्राइटेरिया डाला ग्रेटर देन 2000, ठीक है, डबल कोट्स के साथ क्लोज कर दिए, फिर को मैं डाला क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 रेंज क्या होगा हमारा, ये हमें यहाँ से इतना नहीं सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ से यहाँ पूरा जितना यहाँ पे सिलेक्ट किया है उतना ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया 2 में भी रेंज उतना ही, ठीक है। कोमा डालते हैं, उसके बाद क्या करना है, क्राइटेरिया 2, ठीक है। तो क्राइटेरिया 2 में क्या डालना, सचिन, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर डालना है हमें भी,
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो बार बता रहे, एक सचिन का, एक यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये जो यहाँ पे आप जाए मल्टीपल बहुत सारे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक ही क्राइटेरिया लिया, इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये जैसे डाल दिया यहाँ से कोमा क्राइटेरिया में ग्रेटर देन 2010 के बाद कितना किया है, ठीक है। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं, तो एंटर मारा 0, 2010 के बाद सचिन का कुछ भी नहीं गया। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं तो सचिन का बताएगा, ठीक है, इक्वल टू एंटर मारिए तो ये का बताएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से काउंटिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास अटेंडेंस है, कुछ एग्जांपल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ये मेरे पास अटेंडेंस है जिसमें यहाँ पे डिसीजन पी फोर प्रजेंट, एच फोर हॉलीडे प्रजेंट, एच पी और डब्ल्यू ओ पी वीक ऑफ प्रजेंट, एच डी हाफ डे वीक ऑफ एबसेंट, सिक लीव कैजुअल लीव पेड लीव, ठीक है। ये है तो हमें यहाँ पे ये काउंट कर प्रजेंट काउंट करना है, ठीक है। तो प्रजेंट में तो आप ये देख सकते हो पी बी आएगा, एच पी आएगा और वीक ऑफ प्रजेंट, ये तीनों चीज ही प्रजेंट में आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल काउंट इफ हमने क्या किया, यहां तक लेकर कॉमा क्राइटेरिया में क्या डाल दिया पी, ठीक है। बट इसमें एक दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि ये ना इसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बार जो स्टार है उसको यूज करके लिखते हैं एज ए कंटेनर, इसको जो यूज करते हैं, एंटर मारते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी में इसको भी इसने काउंट कर लिया। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी अगर यहाँ पे वीक ऑफ पी भी डाल देता हूँ, ठीक है, तो इस पूरे रेंज में इसको कहीं पे भी अगर पी मिलेगा वो उसको काउंट कर देगा, ठीक है। तो आप हमेशा यदि आप ऐसा कोई डेटा है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल कुछ सेल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा है बट उसमें एक यूनिक वर्ड है उसके जरिए आप काउंट करना चाहते हो, तो आप सेम क्या कीजिए, वाइल्ड करेक्टर जो होता है स्टार उसका यूज़ कीजिए। ये आगे और पीछे लगाना है जो भी आप सर वर्ड सर्च कर रहे हो या काउंट कर रहे हो, तो ये एक तरह से कंटेनर हो जाता है, पी भी कहीं पे भी सेल के अंदर मिलेगा उसको वो काउंट कर लेगा, ठीक है। तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम एब्सेंट भी काउंट कर लेते, काउंट इफ कोमा इसको ए डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से एब्सेंट भी काउंट हो गया हमारा, वीक ऑफ काउंट करना है तो डब्ल्यू ओ, तो सेम ऐसे ही करेंगे इसके लिए भी काउंट इफ वीक ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे अब बट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की लीव है, कैजुअल लीव, सिक लीव और पेड लीव, ठीक है। फिलहाल ये मैंने यहाँ पे कहीं डाला नहीं है, तो थोड़ा सा दो चार जगह में डाल देता हूँ, एस एल पी एल सी एल और PL, ठीक है। तो हमें लीव काउंट करना है, ठीक है।
तो इसमें दिक्कत यह है कि हमें तीन बार करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या कीजिए, पहले सम फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, सम। ठीक, तो इसके अंदर आप नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री जितने भी आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, तो इसलिए हमने सम का यूज़ किया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट, काउंट इफ, हमारा रेंज ये होगा, कोमा, क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, SL। ठीक है, इसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और सेम इसी को कॉपी करके कॉपी कीजिए, कोमा या प्लस का साइन डाल के और इसकी जगह CL कर दीजिए और तीसरा कौन सा बच गया हमारे पास, PL। SL हो गया, CL हो गया, PL रह गया, तो आप यहाँ पे P टाइप कर दीजिए, एंटर मारते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से हमने लीव भी काउंट कर लिया, बट इसमें आई थिंक कोई दिक्कत है, ये लीव काउंट नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। PL, CL, CL हमने डाला कहीं, CL यहाँ पे डाल रखा है, बट यहाँ पे बता नहीं रहा है, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो इसकी जगह क्या करते हैं, हम डिलीट कर कोमा यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गलत हो गया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दिया था, ठीक है, प्लस का यूज करना था बट हमने मल्टीप्लाई यूज कर दिया, उस वजह से रॉन्ग आ रहा था। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस तरीके से हम अटेंडेंस के कुछ कैलकुलेशंस है वो भी आप कर सकते हो काउंट इफ फंक्शन के जरिए। तो दोस्तों ये थी काउंट फंक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए डायनेमिक एमएस को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि किसी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट के जरिए जरूर बताइए। धन्यवाद।